नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी नाइन न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने आखिरकार कांग्रेस से अलग होने का फैसला ले ही लिया। गुलाम नबी आजाद बीते कई महीनों से जिस तरह पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी से नाराज चल रहे थे, राहुल और प्रियंका गांधी से नाराज चल रहे थे, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि उनकी नाराजगी अब बहुत बड़े हद तक यहां पर दिखती नजर आ रही है। गुलाम नबी आजाद पहले से मन बना रहे थे कांग्रेस से अलग होने का। हालांकि कुछ समय पहले इस तरह की खबरें भी सामने आई थी कि गुलाम नबी आजाद बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन अब फिलहाल अलग राह पर गुलाम नबी आजाद निकलते नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि गुलाम नबी आजाद अगर कांग्रेस का साथ छोड़ देते हैं तो पार्टी पर इसका कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इस वक्त सोनिया गांधी से नाराज चल रहे हैं, जिनमें कपिल सिब्बल के अलावा G23 के कई नेता हैं। यहां पर गुलाम नबी आजाद का जो फैसला है कि वो अलग पार्टी बनाएंगे, अब अलग पार्टी बनाकर क्या वो कांग्रेस को टक्कर देते नजर आएंगे, और अलग पार्टी चुनाव से पहले वो बना रहे, क्या बीजेपी गुलाम नबी आजाद को समर्थन देगी। बहुत बड़े हद तक ये देखा भी गया था कि जब सभा के दौरान गुलाम नबी आजाद का फेयरवेल था, उस समय आखिरी समय था, तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलाम नबी आजाद को लेकर बहुत कुछ बातें कही थी, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भावुक हो गए थे और गुलाम नबी आजाद। उसके बाद से इस तरह की खबरें सामने आने लगी थी कि गुलाम नबी आजाद बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि अब नई पार्टी बनाते जो नजर आ रहे, क्या उनकी नई पार्टी को बीजेपी समर्थन देगी, ये वक्त बताएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।